इमरान खान को चाहिए ना कोई तब्दीली लाए तो सही तरह लाए, वरना नहीं लाए। ये हमारी अमाम कर रही है। नहीं नहीं, उनका कसूर नहीं है, उनका भी तो कसूर है ना। देखो जो बादशाह बनेगा ना ये अमाम, वो एक बंदे की तनख्वाह कितनी है। एक एक चीज आपकी, ये देखो ये हुकूमत को करना चाहिए। देखो वो है वजीर आजम, उन्होंने सिर्फ कलम चलानी है। हमको पीछे से प्रेशर दिया जा रहा है, लोग यहाँ पे खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बच्चों को ले लेके नहरों में डूब रहे हैं। यहाँ पे ये रिकॉर्ड में मौजूद है, ये मीडिया के सामने है, लोग नहरों में डूब रहे हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अनीस। अनीस कहाँ से है आप? कराची लालू खेत से। क्या कहेंगे, कैसा लगा यहाँ पे आके? आके तो अच्छा लगा, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये है कि महंगाई बहुत हुई है। कौन सा बच्चे को खाना खिलाएं या झूले झुलाएं? इमरान खान आपने ऐसा क्या कर दिया कि कराची नया बनने के बजाय पुराना भी नहीं रहा। सही कह रहे, रोशनी का शेर था, बंधेरे का शेर कर दिया तुमने कराची को। कराची को आप क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? मैं पीको का काम करता हूँ। क्या दिहाड़ी? 1000 रुपये। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। मकान किराएगा? मकान किराएगा। तो तालीम और तरबियत पढ़ाई है वो अलग होगी? बच्चे पढ़ रहे हैं। आप गुजारा कैसे होगा? वही तो है, अब बताओ क्या करें, महंगाई इतनी हो गई, अब क्या कहाँ से बंदा पूरा करेगा। लोगों का यहाँ पे, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि महंगाई पूरी दुनिया में हुई है तो पाकिस्तान में हुई है, तो पाकिस्तान के लोग क्यों रो रहे, बकाया नहीं रो रहे? आमदनी भी तो बढ़नी चाहिए। आमदनी जिनकी बड़ी है वो नहीं रो रहे, जिनकी आमदनी छोटी है वो रो रहे हैं। यहाँ कराची में रोड गया ना, जो रोज़ का कमाने वाला वो तो गया ना, अब जो महीने वाला है उसकी भी तनख्वाह बढ़ गई है तो वो भी बढ़ा के नहीं दे रहे। आप क्या करते हैं? मैं भी कंपनी में काम करता हूँ। कितनी दिहाड़ी? मेरी तनख्वाह है 22,000। 25,000 गवर्नमेंट ने तनख्वाह की है, वो 25,000 तो देते भी नहीं है। 22,000 19,000 जगह जगह पे दे रहे हैं। आपका मकान किराए का है? मकान भी किराए का है हमारा, बच्चे मेरे 2 हैं, बंदा किधर जाएगा। इमरान खान को चाहिए ना कोई तब्दीली लाए तो सही तरह लाए, वरना नहीं लाए। ये हमारी अमाम कर रही है। नहीं नहीं, उनका कसूर नहीं है, उनका भी तो कसूर है ना। देखो जो बादशाह बनेगा ना ये अमाम, वो एक बंदे की तनख्वाह कितनी है। एक एक चीज आपकी, ये देखो सही है, हम मान रहे हैं आपकी बात सही है, हर बात मान रहे हैं, लेकिन मजदूर तो दुनिया पे होता ही रहेगा, वो तो चलता ही रहेगा। जो हुकूमत बढ़ा रही है तो बढ़ा के देना। इमरान खान का जो ऊपर के बैठे हुए तो बढ़ा के देना। सर इमरान खान का कोई कसूर नहीं है इसमें, ये हम लोग अमाम बढ़ा रही है पैसा। इमरान खान की महीने की कितनी तनख्वाह थी? 1,00,000 रुपए थी इमरान खान की। भाईजान
इमरान खान का ऑप्शन लेनी चाहिए। इमरान खान किसे देखो जी, ये किस किस को बोले? ये नहीं आवाम, देखें आवाम को अगर आवाम को आवाम में पूरा नहीं हो रहा, आवाम को अगर एक मिनट हमारी 30,000 में क्या तनख्वाह बढ़ेगी? आवाम को अगर 100 रुपए का पेट्रोल लीटर मिले तो वो 150 में कैसे लेगी? देखो जी, कह रहे हैं ना कि आवाम बढ़ा रही है, तो आवाम तो ये हुकूमत को करना चाहिए। देखो वो है वजीर आजम, उन्होंने सिर्फ कलम चलानी है आगे, तो यही तो बात ये भी कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं, समझी, यही बात कर रहे हैं। उन्होंने कलम चलानी है, उन्होंने ये नहीं देखना कि भाई क्या हो रहा है, ये आगे वाले जो हमारे हैं ना वो कुछ किराए पे रहने वाले वो कहाँ से लेंगे बताओ? उसका काम है सारे मिले। देखो आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन वो किस किस को गलत कर रही है? जो आवाम कर रही है, आवाम नहीं कर रही है, आवाम को पीछे से प्रेशर दिया जा रहा है। लोग यहाँ पे खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बच्चों को ले लेके नहरों में डूब रहे हैं, यहाँ पे ये रिकॉर्ड में मौजूद है, ये मीडिया के सामने है, लोग नहरों में डूब रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं भूखे मार। नहीं यार, कोई चंद लोग खुश जरूर है, गरीब भी होगा ना, उसकी रोटी मिलेगी उसे, अल्लाह से देगा ऊपर, वो तो बिल्कुल दे देते देगा, वो मिलेगा कि दो रोटी खाते हैं वहाँ वो डेढ़ रोटी खाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर उसको, मिलेगा तो सही, लेकिन अपने वादा किए खाली पेट उठाएगा जरूर, सुलाएगा नहीं, लेकिन हमारे हुकुमरान सही नहीं है ना, हमारे हुकुमरान सही हो तो आवाम इतनी परेशानी ना हो। देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका कारोबार होगा इसमें कोई कसूर नहीं है सर, आपका कारोबार होगा इसलिए आप आवाम को बीच में ला रहे हो, आप भी तो हमारा कोई कारोबार नहीं है, हम भी आपकी तरह मजदूर नहीं। नहीं अगर आप आवाम को बोल रहे हो तो नहीं, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप बोले, चलें चलें कोई बात नहीं, आवाम का रोना है, आवाम का यहाँ पे कहना है कि महंगाई का जो रोना धोना है वो अपने जी बिल्कुल सही कह रहे हैं।